मौसम बदलने के साथ ही पूरे देश में लोग सर्दी खांसी जुकाम बुखार का शिकार हो रहे हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्गों को इससे बचने की हिदायत दे दी है ICMR ने। आज के इस वीडियो में हम इसके कारण की बात करेंगे, इसके निवारण की बात करेंगे और आपको क्या करने से बचना चाहिए जिससे आप इस वायरस की चपेट में ना आए। आप है अपने यूट्यूब चैनल BioPoint पे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो पिछले 2-3 महीने से लगातार खांसी और बुखार के कुछ मामले सामने आ रहे हैं। इसका जो कारण है वो इन्फ्लुएंजा ए का सब वेरिएंट H3N2 वायरस है। इस वायरस से पीड़ित लोगों में श्वसन संक्रमण से लेकर के तेज बुखार, खांसी, घबराहट, सिर दर्द, बदन दर्द, सर्दी, जुकाम आदि समस्याएं आ रही हैं। ICMR ने कहा कि यह एक मौसमी बुखार है जो 5 से 7 दिनों तक रहेगा। खांसी की समस्या 2 से 3 हफ्तों तक रह सकती है। इस वायरस से बचाव के लिए हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोना है। नाक और आंख को बार बार छूने से बचें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग सबसे ज्यादा फायदेमंद है। या खांसते समय मुंह और नाक को कवर करके रखें। बॉडी पेन या बुखार होने पर पैरासिटामोल लें और तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। चीजों को बिल्कुल ना करें नजरअंदाज। H3N2 वायरस से हाई फीवर हो सकता है, इसमें ठंड और कपकपी छूट सकती है, तेज बुखार आ सकता है, इसके जाने के बाद लगातार खांसी रह सकती है। यह खांसी आम नहीं है, यह कई दिनों तक आपको परेशान कर सकती है। इसमें खराश से लेकर के आवाज में खरखराहट भी हो सकती है। ज्यादा गंभीर मामला होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर के ही एंटीबायोटिक का यूज करें। ICMR ने एंटीबायोटिक को खुद से लेने से बचने के लिए सुझाव दिया है। वीडियो लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।